बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 47 है आज हमारा। आज जो हमने पढ़ना है वो कंडेंस फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। हम इन दो इलेक्ट्रॉनिक और इसे जो है कंडेंस फार्मूला, ये दोनों अलग 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 टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंडेंस फार्मूला के हवाले से बताता चलूँ। ऑलरेडी हमने देखा था कि जो हमारा मॉलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला था, स्ट्रक्चर फार्मूला में आपने देखा था ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और एटम अलग अलग थे। जब हम इनको कंडेंस कर देते हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं, उस फर्ज़ कार्बन जो है उसके साथ ही हाइड्रोजन लगे हुए, जब हम इसको CH3 लिखते हैं तो ये कंडेंस बन जाता है। आइए हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, इसका द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम जॉइन टूगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन इज कॉल्ड द कंडेंस फार्मूला। ये कंडेंस फार्मूला कहलाता है। अब देखें, चाहे ब्रांच चेन हो या स्ट्रेट चेन हो, मैंने आपको पीछे बता दिया था एन ब्यूटेन ही एग्जांपल में, यहाँ HH लगे हुए थे अलग अलग, यहाँ उन्होंने CH3 लिख दिया तो कंडेंस कर दिया इसको, ये CH2 कर दिया। इससे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला में HH अलग थे, CH2 CH3 ये इन्होंने कंडेंस कर दिया। इसे कहते हैं कंडेंस करना, जमाना, मुख्तसर कर देना। इसी तरह CH3 आइसोब्यूटेन, ये जो है कंडेंस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला क्या होगा, जहाँ जैसे हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा था उसको हमने लिखना इसी तरह है, लेकिन हमने जो है बॉन्ड जो है वो डॉट और क्रॉस से शो करने हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डॉट और एंड क्रॉस फार्मूला। द फार्मूला वी शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ये मैंने आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ये प्रोपेन है और ये एन ब्यूटेन है। मैंने इधर नाम नहीं लिखे हुए थे, आपकी सहूलत के लिए लिख दिए हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर जो है ये एक दो तीन, इसे प्रोपेन कहते हैं, तीन कार्बन एटम्स को इसको प्रोपेन कहते हैं। जो है ये एन ब्यूटेन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन के एटम होंगे, हाइड्रोजन होगी, इसे एन ब्यूटेन कहेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला था। अब जो हम इसकी समरी देख लेते हैं, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने इसका चार किस्म किया। सबसे पहले हमने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने कहा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट जो है इसमें मॉलिक्यूल्स में पता चलते हैं। कंडेंस में स्ट्रक्चर में क्या होता है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, और कंडेंस में क्या होता है, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम जॉइंट टूगेदर टू ईच कार्बन एटम। और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ये आपका जो था, आपका जो है ये प्रैक्टिस है। देखिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी कार्बन के नाम याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।